ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 301 करने वाले हैं। तो 301 नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये हम लोग देखते हैं। तो 301 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। ऑप्शन सी झारखंड जो है इसका सही आंसर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 302, झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 28। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 303 करते हैं, भारत के कुल खनिज संपदा का लगभग कितने प्रतिशत भंडार झारखंड में है। ऑप्शन ए 17%, ऑप्शन बी 28%, ऑप्शन सी 34%, ऑप्शन डी 40%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40%। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 304 करते हैं, भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 42%, ऑप्शन सी 46%, ऑप्शन डी 54%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 46%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 305 करते हैं, 305 में क्या लिखा हुआ है। 305 में लिखा हुआ है, खनिज संसाधन की जानकारी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। 1814 में हुई, 1826 में हुई, 1838 में हुई या 1851 में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1851 ईस्वी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 306 करते हैं, खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण छोटा नागपुर पठार को किस नाम से जाना जाता है। ए नंबर रतनपुरा, ऑप्शन बी रतन जड़ित, ऑप्शन सी रतन गर्भा, ऑप्शन डी रतन श्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रतन गर्भा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 307 करते हैं, 307 करते हैं, 307 में क्या लिखा हुआ है, झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की तुलना किस देश की रूर घाटी से की जाती है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। अब हम लोग 308 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, खाद अधिनियम कब पारित हुआ। खाद अधिनियम कब पारित हुआ, 1892, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1924। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1901। अब क्वेश्चन नंबर 309 करते हैं, छोटा नागपुर में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी का नाम क्या है। ए नंबर झारखंड कोल कंपनी, ऑप्शन बी छोटा नागपुर कोल कंपनी, ऑप्शन सी बंगाल कोल कंपनी, ऑप्शन डी उड़ीसा कोल कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल कोल कंपनी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 310 करते हैं, 310 में क्या लिखा हुआ है, 310 में लिखा हुआ है, 310 में आपका लिखा हुआ है यहां पर, झारखंड में कोयले के कुल कितने खाने हैं। झारखंड में कोयले के कुल कितने खाने, ऑप्शन ए 296, ऑप्शन बी 207, ऑप्शन सी 228 या ऑप्शन डी 272। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 207। अब 311 नंबर का सवाल है, 311 नंबर का सवाल क्या है, 1774 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र की खनिज के, फिर से सवाल पढ़ते हैं, 1774 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र की किस खान से कोयले के उत्खनन शुरू हुआ था। ऑप्शन ए चाच, ऑप्शन बी लुचीवाद, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 312 करते हैं, भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है। ए नंबर 29%, बी नंबर 36%, सी नंबर 42%, ऑप्शन डी 39%। तो इसका जो है 49%। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा 49%। अब हम लोग 313 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादित करने वाले क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए चंद्रपुरा बोकारो, ऑप्शन बी रामगढ़ कर्णपुरा, ऑप्शन सी झरिया, ऑप्शन डी झिवारी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा झिवारी। अब हम लोग जो है कि 314 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, गिरिडीह किस कोयला क्षेत्र का उप क्षेत्र है। ऑप्शन ए दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, ऑप्शन बी हजारीबाग कोयला क्षेत्र, ऑप्शन सी अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र, ऑप्शन डी राजमहल कोयला क्षेत्र, ऑप्शन डी राजमहल कोयला क्षेत्र।
अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 315 करते हैं। 315 क्या है? उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल, ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन डी डाल्टनगंज, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 316 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मांडू, ऑप्शन बी जयंती, ऑप्शन सी शाहजोरी, ऑप्शन डी कुदरती रेवैया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मांडू। निम्नलिखित में से देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 317 में पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए पचवारा, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी हुरा, ऑप्शन डी चरही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चरही। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 318 जाते हैं। झरिया की कोल खाने लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? ऑप्शन ए 450 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 410 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 380 किलो वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 340 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 450 वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 319 करते हैं। 319 जो है कि अब हम लोग जो है करते हैं। झारखंड में मिलने वाली हेमेटाइट किस्म की लो आयक्स में कितने प्रतिशत लो आंस की मात्रा होती है? ऑप्शन ए 45 से 50 प्रतिशत, ऑप्शन बी 55 से 60 प्रतिशत, ऑप्शन सी 65 से 70 प्रतिशत, ऑप्शन डी 75 से 80 प्रतिशत। इसका आंसर है ऑप्शन सी 65 से 70 प्रतिशत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 320 करते हैं। 320 जो है कि इसका हम लोग करते हैं। 320 में क्या लिखा है? झारखंड के किस जिले में देश का सर्वप्रथम लो आयक्स उत्पादन किया गया था और वहां लो आयक्स का सर्वाधिक खदानें थी? ए हजारीबाग, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी गिरिडीह। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 321 में हम पहुंच गए। 321 में क्या लिखा है? सिंहभूम के कॉल्टन क्षेत्र के किस स्थान पर हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? ऑप्शन ए नीतू बुरु, परिसीमा बुरु, या ऑप्शन बी गुहा सकंदा, या फिर जो है ऑप्शन सी जामता, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 322 जाता है। झारखंड में किस जिले में मेटाटाइट किस्म का लोहा मिलता है? ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 323 जाते हैं। संपूर्ण विश्व का लगभग कितना प्रतिशत अभ्रक झारखंड से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 49%, ऑप्शन बी 56%, ऑप्शन सी 62%, ऑप्शन डी 71%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 56%। अब हम लोग 324 नंबर क्वेश्चन करते हैं। संपूर्ण देश का लगभग कितना प्रतिशत अभ्रक झारखंड से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 66%, ऑप्शन सी 72%, ऑप्शन डी 78%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 72%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 325 जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए झारखंड में अधिकतर अभ्रक खदानें कोडरमा के वन क्षेत्र में, ऑप्शन बी झारखंड में मोस्कोवाइट बायोटाइट किस्म का अभ्रक मिलता है, ऑप्शन सी अभ्रक आगाने क्रांतित चट्टानों से मिलती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 326 जाते हैं। झारखंड में मिलने वाली उत्तम किस्म के अभ्रक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिल्की अभ्रक, ऑप्शन बी रूबी अभ्रक, ऑप्शन सी जूही अभ्रक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूबी अभ्रक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 327 में जाते हैं। झारखंड में अभ्रक की लगभग कितनी खाने हैं? 400, ऑप्शन ए या बी 500, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी 700। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 500। झारखंड में तांबे का महत्वपूर्ण खाने किस जिले में है? ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 329 करते हैं। सिंहभूम कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1822 ईस्वी, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी 1874 ईस्वी, ऑप्शन डी 1896 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 330 करते हैं। 330 में क्या लिखा हुआ है? कारोडोवा कॉपर कंपनी की इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के नाम से कब पुनर्गठन किया गया? ऑप्शन ए 1924 ईस्वी, ऑप्शन बी 1937 ईस्वी, ऑप्शन सी 1944 ईस्वी, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 331 करते हैं। झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी लोहरदगा, इसका आंसर या पाकुड़। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा सही, पाकुड़। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 332 जाते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ कोरोनियम का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए सारायकेला, ऑप्शन बी जोतु हातु, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 333 में हम लोग जाते हैं। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में निम्नलिखित में से
किस खनिज का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी रॉक फास्ट, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी फायर फ्लेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम। अब हम लोग 334 नंबर का क्वेश्चन में जाते हैं। झारखंड के किस जिले में टिन का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी संथाल परगना, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 335 में जाते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में वैनेडियम प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी साहिबगंज। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सिंहभूम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 336 में जाते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में इल्मेटाइट प्राप्त होता है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 337 में जाते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में लाइंस स्टोन चूना पत्थर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए हजारीबाग बोकारो, ऑप्शन बी गिरिडीह गढ़वा, ऑप्शन सी सिंहभूम पाटकुड, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 338 में जाते हैं। झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी में स्वर्ण अयस्क प्राप्त होता है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा दक्षिणी कोयल, ऑप्शन बी सूरजा नदी गरा नदी, या ऑप्शन सी फल्गु सोन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फल्गु और सोन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 339 में जाते हैं। 339 में लिखा हुआ है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एस्पोवेट की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी सिंहभूम। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 340 में जाते हैं। 340 में क्या लिखा हुआ है? 340 में लिखा हुआ है चाइना के लिए चीनी मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए देश का सर्वोच्च चीनी मिट्टी झारखंड के सिंहभूम जिले से मिलती है, ऑप्शन बी या ग्रेनाइट की फलवा से खनिज के क्षय से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी या अग्नि प्रतीक होती है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 341 में जाते हैं। 341 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन फायर के लिए अग्नि मिट्टी के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए झारखंड में या मिट्टी धनबाद दुमका गिरिडीह हजारीबाग कोडरमा एवं पलामू से मिलती है, ऑप्शन बी दामनी चूरा चूरगमती राजहरा इसकी प्रमुख खदानें, ऑप्शन सी या अग्नि प्रतिरोधक होती है इसलिए इसका नाम अग्नि मिट्टी पड़ा है, ऑप्शन डी झारखंड में इसकी 6 खदानें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड में इसकी 6 खदानें हैं। अब हम लोग 342 नंबर क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्रेनाइट तथा ग्रेटाइट का उत्पादक है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 343 जाते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रेनाइट का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हजारीबाग। अब हम लोग 344 नंबर के सवाल में जाते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सिल्का सेट का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए दुमका देवघर, ऑप्शन बी हजारीबाग कोटरमा, ऑप्शन सी धनबाद गिरिडीह, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 345 में जाते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में डोटोमाइट प्राप्त नहीं होता है? तो ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गढ़वा। अब हम लोग 346 में जाते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में फैसल पार की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए देवघर गिरिडीह, ऑप्शन बी धनबाद कोडरमा, ऑप्शन डी हजारीबाग, ऑप्शन सी हजारीबाग और पलामू, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 347 में जाते हैं। झारखंड में मैंगनीज एस की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होती? ऑप्शन ए सिंहभूम, बी धनबाद, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन सी में था गढ़वा, ऑप्शन डी है हजारीबाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गढ़वा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 348 में जाते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में कोटोटाइट की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन सी में दुमका है, ऑप्शन डी में गढ़वा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंहभूम। अब हम लोग जो है 349 नंबर का जो है सवाल करते हैं। 349 नंबर का सवाल में क्या लिखा हुआ है? खनिज तथा इसकी प्राप्ति के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए टाक सष्टिलाइट ग्रीडी प्लामू सिंहभूम, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी क्लोराइट देवघर दुमका धनबाद हजारीबाग ग्रीडी, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट साहिबगंज और गोडवा, ऑप्शन डी है वर्गी कुलाइट ग्रीडी हजारीबाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेनाइट
साहिबगंज और गडवा। अब हम लोग 350 नंबर का सवाल करते हैं। 350 नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है, खनिज तथा इसके प्राप्ति स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन ए सिलिका सेट, दुमका, धनबाद, कोटरमा। ऑप्शन बी रॉक सल्फेट एंड अंडासुआइट, तो इसका प्लामू हो जाएगा। ऑप्शन सी कोबाल्ट या निकेल, कोबाल्ट एवं निकेल, तो इसका सिंहभूम या उपयुक्त में सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है उद्योग से लेकर सवाल पूछेंगे, झारखंड के उद्योग के बारे में जो सवाल है उसको हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो है 351 नंबर का सवाल है, बिना समय गवाए हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। झारखंड को मुख्य रूप से कितने औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 4। अब हम लोग 352 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर घाटी उद्योग क्षेत्र की विशेषता है। ऑप्शन ए इस उद्योग में पट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। ऑप्शन बी इस क्षेत्र में ताप एवं जल विद्युत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ऑप्शन सी इस क्षेत्र में बोकारो में भारत का सबसे बड़ा लो एवं इस्पात उद्योग स्थापित। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 353 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषताएँ नहीं। ऑप्शन ए या औद्योगिक पट्टी नागपुर पठार के दक्षिणी व पूर्वी भाग में विस्तृत है। ऑप्शन बी जमशेदपुर इस औद्योगिक पट्टी का मुख्य केंद्र है। ऑप्शन सी इस पट्टी का दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र घाटशिला के निकट माउंट भाटा में है। ऑप्शन डी या औद्योगिक केंद्र गुमला जिले में केंद्रित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या औद्योगिक केंद्र गुमला जिले में केंद्रित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 354 में जाते हैं, इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन ए तामा संबंधी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी अब्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी बॉक्साइट संबंधी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी एस्बेस्ट संबंधी औद्योगिक क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 355 में जाते हैं, झारखंड का चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से रांची के किस क्षेत्र से विकसित है। ए नंबर हटिया, ऑप्शन बी नामकुम, ऑप्शन सी खुट्टी, ऑप्शन डी बिन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हटिया। अब हम लोग 356 में जाते हैं, झारखंड में अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कहां विस्तृत है। ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी डुमरी झुमरी तिलैया, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 357 में जाते हैं, झारखंड में मिश्र इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। झारखंड में निम्नलिखित में से किसका एक उद्योग स्थापित है। ए नंबर एनमुलियम, ऑप्शन बी एस्टेबेट, ऑप्शन बी एरामिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 359 करते हैं, झारखंड में कितनी कोयला धावनशाला स्थापित है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3। अब 360 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, झारखंड में लो इस्पात कितने उद्योग में स्थापित हैं। हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो है 360 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, झारखंड में लो इस्पात में कितने उद्योग स्थापित। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 8, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। झारखंड में सीमेंट के कितने उद्योग स्थापित है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। झारखंड में ताप रोधी के कितने उद्योग स्थापित हैं। ये 362 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में ताप रोधी के कितने उद्योग स्थापित हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 363 जाते हैं, झारखंड में सीसा के कितने उद्योग स्थापित है। सीसा का उद्योग कितना स्थापित है झारखंड में। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 364 में लिखा गया है, झारखंड के प्राचीन लो इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सत्य है, पूछा गया सत्य है। ऑप्शन ए असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने यहाँ 1200 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच लोह तकनीकी विकसित कर ली थी। ऑप्शन बी यहाँ
का लो सुदूर मेसोपोटामिया तक जाता था, जहां दशमिक के विख्यात तलवारें बनाती थी। ऑप्शन सी, यहां लोहे का मुख्य उद्योग कृषि उपकरणों का निर्माण में होता था। ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 365 में जाते हैं। 365 नंबर में लिखा है, झारखंड में उद्योग स्वरूप खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयन वर्क्स था, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1856 ईस्वी, ऑप्शन बी 1874 ईस्वी, ऑप्शन सी 1888 ईस्वी या ऑप्शन डी 1892 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1874 ईस्वी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 366 जाते हैं। जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर 1907 ईस्वी में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है असत्य है? ए नंबर, इसकी धमन पट्टी 11 दिसंबर 1911 को चालू हुई और पहला पिंड 16 फरवरी 1912 को तैयार हुआ। ऑप्शन बी 1913 से 14 ईस्वी में यहां का लोहा विदेशों में जैसे अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान आदि देशों में भेजा जाने लगा। ऑप्शन सी, कुशल भारतीय इंजीनियरों के लिए कंपनी 1921 ईस्वी की तकनीकी स्थापना स्थान के लिए स्थापना की। ऑप्शन डी 1917 ईस्वी में इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपया का मुनाफा कमाया। यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 366 का ऑप्शन नंबर डी असत्य है। 1917 ईस्वी में इस कंपनी 2 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया, ये गलत ऑप्शन है। अब हम लोग जो है कि 367 नंबर में पहुंच गए। झारखंड के कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र को योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? ए नंबर 13%, बी नंबर 15%, सी नंबर 19%, डी नंबर 24%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 368 में पहुंच गए हैं। गोल मोर जमशेदपुर में स्थापित भारत में टीनलेट का उत्पादन करने वाली प्रथम कंपनी टीनलेट कंपनी ऑल इंडिया का स्थापना कब हुई? ए नंबर 1918, बी नंबर 1920, सी नंबर 1924, डी नंबर 1929। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920। अब हम लोग जो है 359 नंबर का जो है सवाल कर रहे हैं, 69 नंबर का। टिस्को की अनुसारी इंडियन लेबल कंपनी तार व टेलीफोन आदि का निर्माण करने वाली की स्थापना कब हुई थी? ए नंबर 1916, बी नंबर 1918, सी नंबर 1920, डी नंबर 1922। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 370 जाते हैं। जमशेदपुर में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कंपनी एग्रीको का स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी या बी नंबर 1922 ईस्वी, सी नंबर 1925 ईस्वी, डी नंबर 1927 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1922 ईस्वी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 371 पहुंच गए। सीमेंट तथा लो के पाइप बनाने दी इंडियन ह्यूमन पाइप कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? ए नंबर 1918 ईस्वी, बी नंबर 1922 ईस्वी, सी नंबर 1926 ईस्वी, डी नंबर 1929 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1926 ईस्वी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 372 में जाते हैं। पूर्व सोवियत संघ के संयोग से स्थापित बोकारो इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए नंबर, इसकी स्थापना वर्ष 1968 में हुई और 1972 में इसे उत्पादन प्रारंभ किया। बी नंबर, आधुनिक तकनीकी पर आधारित यह विश्व का विशाल और विपरकृत कारखाना था। सी नंबर, इसकी अत्यंत ऊंचाई कोक ओवन भटिया, विशाल दमन भटिया तथा विस्तृत स्ट्रिंग प्लांट विश्व भर में अद्वितीय था। इसका आंसर जो होगा ना वो डी होगा, उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सारा जो है गलत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 373 में पहुंच गए। 373 में लिखा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष घाटशिला हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई? ए नंबर 1969, ए नंबर 1959, बी नंबर 1967, सी नंबर 1970, डी नंबर 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1967। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 374 में जाते हैं। 374 में क्या है, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1945, बी नंबर 1948, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1956। तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 375 जाते हैं। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने किस वर्ष हीरा कुंड में एल्युमिनियम का उत्पादन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1955, 1959। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1959। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 376 में जाते हैं। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा धनबाद जिले में सिंदरी में कब रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? ए नंबर 1944, बी नंबर 1951, सी नंबर 1956, डी नंबर 1962। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951, बी नंबर का ऑप्शन सही है। 377 नंबर का
जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं 379-377 नंबर क्वेश्चन में है, झारखंड में कोयला शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए करगली, ऑप्शन बी जामटोबा, ऑप्शन सी लोधना, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 378 में जाते हैं, झारखंड की राजधानी रांची में भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 12 मार्च 1955, बी नंबर 31 दिसंबर 1958, सी नंबर 30 दिसंबर 1962, डी नंबर 26 जुलाई 1964। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 31 दिसंबर 1958। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 379 में पहुंच गए। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र दामोदर नदी के तट पर स्थापित है? ऑप्शन ए बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो, बी नंबर रासायनिक उर्वरक कारखाना सिंदरी, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सिंदरी स्थित रासायनिक उर्वरक कारखाने की विशेषता है? ऑप्शन ए इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, ऑप्शन बी में लिखा हुआ या भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम उर्वरक कारखाना है, ऑप्शन सी यहाँ पोटास नाइट्रोजन के तथा फॉस्फोरस आदि उर्वरक का उत्पादन होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 381 जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए भारी उद्योग उपकरण संयंत्र, ऑप्शन बी भारी मशीनी निर्माण संयंत्र, ऑप्शन सी उद्योग लघु उद्योग उपकरण संयंत्र, डी नंबर फाउंड्री फोज संयंत्र। तो इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा, लघु उद्योग उपकरण संयंत्र। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 382 जाते हैं, झारखंड में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना कहाँ स्थापित है? झारखंड में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना कहाँ स्थापित? तो ऑप्शन ए मोरी, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 383 में चल गए हैं, जमशेदपुर उद्योग नगर निम्नलिखित में से किन दो नदियों के तट में स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा तथा खरकई, ऑप्शन बी दामोदर तथा कोयल, ऑप्शन सी अजय तथा बराकर, ऑप्शन डी बिकुल तथा बोकारो। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, स्वर्णरेखा तथा खरकई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 384 में पहुंच के निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी बराकार नदी घाटी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी रांची औद्योगिक क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बराकार नदी घाटी औद्योगिक क्षेत्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 385 जाते हैं, झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी घाटशिला, ऑप्शन सी सिंदरी, या ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। जमशेदपुर विश्व स्थित टाटा केमिकल द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए सोडा एस, ऑप्शन बी कॉस्टिक सोडा, ऑप्शन सी उपयुक्त में सभी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपयुक्त में दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 387 राजमहल की पहाड़ियों के मंगल घाट तथा पथार घाट के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थापित है? ऑप्शन ए कांच उद्योग, ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी लाख उद्योग, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांच उद्योग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 388 में पहुंच गए, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कहां सीमेंट उद्योग स्थापित होता है? ऑप्शन ए सिंदरी, ऑप्शन बी चंद्रपुरा, ऑप्शन सी खेगारी, ऑप्शन डी झीलपानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रपुरा। झारखंड में निम्नलिखित में से कहां सीमेंट उद्योग स्थापित है? तो कहां पर है? चंद्रपुरा में है। ऑप्शन नंबर अब तो ये हो गया, बी सही हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 389 करते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? ऑप्शन ए सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी ऊनी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी रेशमी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी कृत्रिम रेशा रसम वस्त्र उद्योग। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऊनी वस्त्र उद्योग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 390 करते हैं, भारत के कुल लाख उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 70%। तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 351 जाते हैं, रांची के निकट नामकुम लाख अनुसंसाधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 1921, 1925, 1932, 1937। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस किस्म की लाख झारखंड में मिलती है? ऑप्शन ए कुसकुस कुसुम, ऑप्शन बी रंगनी, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड लाख उत्पादन क्षेत्र है? ऑप्शन ए रांची संस्थान परगना, ऑप्शन बी हजारीबाग पलामू, ऑप्शन सी पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी माइनिंग एंड लाइट इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए
16 फरवरी 1952 ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1965 ऑप्शन सी 22 मार्च 1968 डी नंबर 19 नवंबर 1971 तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1965। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 395 में जाते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन ए गोमियो विस्फोटक कारखाना, ऑप्शन बी रांची हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री, ऑप्शन सी सिंदरी सुपर फास्ट, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 396 जाते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ऑप्शन ए प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ। इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 397 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। रेल ऑप्शन ए रेल इंजन निर्माण हेतु पेलेसुलर लोकोप्लाइज कंपनी की स्थापना 1921 सिंहभूम जिले में की गई थी। ऑप्शन बी इस वर्ष 1933 इसे ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पुनः इसे 1945 में टाटा कंपनी ने बेच दिया गया। ऑप्शन सी तत्पश्चात इसका पुनर्गठन कर इसे टाटा एसनिक एंड लोकोमोटिव कंपनी टेस्को नाम दिया गया, या ऑप्शन डी इस कंपनी ने पुनः रेल इंजन निर्माण का कार्य किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस कंपनी ने पुनः रेल इंजन निर्माण का कार्य किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 398 जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित उष्मा मार्टिन समूह की औद्योगिक इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उष्मा इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी उष्मा मार्टिन, ऑप्शन सी उष्मा बेलाटाइन या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्मा इंजीनियरिंग। अब हम लोग 399 नंबर का सवाल में जाते हैं। झारखंड में कोयले के संबंधित निम्नलिखित में से किस उद्योग का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है। ऑप्शन ए भारत के कोल किंग कोल लिमिटेड, ऑप्शन बी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, डी नंबर उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त में सभी। 400 नंबर का सवाल निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित उद्योग उपक्रम नहीं है। ऑप्शन ए झारखंड स्टेट माइका लिकेट लिमिटेड हजारीबाग, ऑप्शन बी झारखंड स्टेट कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स प्लामो, ऑप्शन सी झारखंड स्टेट सुपर फास्ट फैक्ट्री धनबाद, ऑप्शन डी झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन रांची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड स्टेट कास्टिक सोडा एंड केमिकल। अब हम लोग ऊर्जा एवं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में सवाल है। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था। वर्ष 2001, वर्ष 2002, ऑप्शन सी वर्ष 2003 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2004। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2001। अब क्वेश्चन नंबर 402 झारखंड राज्य बिजली निवाय उद्योग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ मार्च 2000, ऑप्शन बी में लिखा अगस्त 2002, ऑप्शन सी जून 2004, ऑप्शन डी दिसंबर 2005। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त 2002। अब क्वेश्चन नंबर 403 में जाते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए ताप विद्युत, ऑप्शन बी जल विद्युत, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर उपयुक्त में दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 404 में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। ऑप्शन ए तारा परतारतु ताप नियंत्रण संयंत्र, ऑप्शन बी बोकारो ताप विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी चंद्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन डी तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा परतारतु ताप विद्युत संयंत्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 405 आते हैं। परतारतु ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन ए पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस या जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। 406 नंबर का सवाल परतातु ताप विद्युत संयंत्र में कुल कितनी इकाई है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 407 करते हैं। परतातु ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। ऑप्शन ए 910 मेगावाट, ऑप्शन बी 840 मेगावाट, ऑप्शन सी 790 मेगावाट, ऑप्शन डी 720 मेगावाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 840 मेगावाट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 408 करते हैं। रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC को निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र को विद्युत प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए परतातु ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन बी बोकारो विद्युत संयंत्र, ऑप्शन सी चंद्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन डी टेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परतातु
धातु ताप विद्युत संयंत्र। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 409 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत परियोजना दामोदर घाटी परियोजना DVC के अधीन है? ऑप्शन ए बोकारो ताप नियंत्रण, ऑप्शन बी चंद्रपुरा ताप नियंत्रण और ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 410 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र हजारीबाग में जिला में स्थापित? ऑप्शन ए परतातु ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन बी चंद्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन सी बोकारो ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। 411 नंबर का क्वेश्चन नंबर 412 में पहुंचते हैं, तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी गिरिडीह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रांची। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 413 करते हैं, 413 नंबर का सवाल करते हैं। 413 नंबर के सवाल में जो है 413 नंबर, तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी? ए नंबर 180 मेगावाट, ऑप्शन बी 240 मेगावाट, ऑप्शन सी 290 मेगावाट, ऑप्शन डी 320 मेगावाट। तो इसका आंसर हो जाएगा 220 मेगावाट। अब हम लोग 414 नंबर क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के अलावा उसकी किस सहायक नदी के स्थान पर स्थापित? ऑप्शन ए ब्राकार, ऑप्शन बी जमुनिया, ऑप्शन सी कोनार, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। इसका है उपयुक्त में सभी, डी नंबर जो है सही है। 415, इनमें से कौन सा उद्देश्य दामोदर घाटी परियोजना के उद्देश्य में शामिल नहीं? ऑप्शन ए विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी सिंचाई, ऑप्शन डी खनन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर खनन। दामोदर घाटी नदी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी दुमका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनबाद। अब 417 नंबर, दामोदर नदी की ऊपरी घाटी झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। 418 नंबर, दामोदर नदी घाटी की औसत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका डायरेक्ट आंसर 2761 मेगावाट। अब क्वेश्चन नंबर जो है कि 419, दामोदर नदी घाटी परियोजना के से कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? तो बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा 7.5 लाख। अब क्वेश्चन नंबर 420, दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है? तो ऑप्शन ए यह परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका के टेंसी घाटी परिधान मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन बी इस मॉडल का WL वुडल ने तैयार किया था, ऑप्शन सी इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाए गए थे, ऑप्शन डी इस परियोजना के अंतर्गत तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, इस परियोजना के अंतर्गत तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। 421 नंबर का सवाल, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी, ऑप्शन है 1948 और 1952, 1956, 1960। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 422, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी 2500, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन डी 4000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2500 किलोमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 423 करते हैं, दामोदर घाटी परियोजना से कितने किलोमीटर लंबे परिवहन मार्ग का सुविधा प्राप्त होता है? ए नंबर 145 किलोमीटर, बी नंबर 180 किलोमीटर, सी नंबर 210 किलोमीटर, डी नंबर 250 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 145 किलोमीटर। अब हम लोग 424, तिलैया बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? ऑप्शन ए ब्राकर, ऑप्शन सी कोनार, ऑप्शन सी मुरली, ऑप्शन डी बोकारो। तो इसका होगा ऑप्शन ए ब्राकर। 425, तिलैया बांध जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है? ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 345, ऑप्शन डी 460। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 395। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 426 करते हैं, तिलैया बांध में निकट कितने इकाइयों वाली जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर तीन। अब हम लोग जो है कि 427 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, तिलैया बांध जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? ए नंबर 80 किलोवाट, ऑप्शन बी 110 किलोवाट, ऑप्शन सी 160 किलोवाट, ऑप्शन डी 190 किलोवाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 110 किलोवाट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 428 करते हैं, 428 नंबर का सवाल है, कोनार बांध की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1951, बी नंबर 1955, या फिर सी नंबर 1900
69 या डी नंबर 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1955। अब हम लोग 429 नंबर का सवाल करते हैं। 429 नंबर का सवाल में है, 429 नंबर कोनार बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित है। ऑप्शन ए अवस्थित हजारीबाग, ऑप्शन बी विद्युत उत्पादन 40,000 किलोवाट, ऑप्शन सी सिंचाई सुविधा 40,000 हेक्टेयर भूमि, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। कोनार, कोनार बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है। ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 337, ऑप्शन डी 415। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 337। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 431 करते हैं। 431 नंबर का सवाल में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस बांध में स्थापित भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया का एक विशिष्ट विद्युत केंद्र है। ऑप्शन ए मेथन बांध, ऑप्शन बी तिलैया बांध, ऑप्शन सी आयरन बांध या ऑप्शन डी पंचायत बांध। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मेथन बांध। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 432 जाते हैं। मेथन बांध कितनी ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 433 में जाते हैं। मेथन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है। ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी कोनार, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी जमुनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बराकर। अब हम लोग 434 नंबर का सवाल है, मेथन बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए अवस्थित धनबाद, ऑप्शन बी विद्युत उत्पादन 20,000 किलोवाट, ऑप्शन सी जल संग्रहण क्षमता 1357 मिलियन घन मीटर, ऑप्शन डी परिवहन मार्ग 85 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी परिवहन मार्ग 85 किलोमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 435 में जाते हैं। 435 नंबर में बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी कोडरमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरिडीह। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 436 में जाते हैं। बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है। ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी बराकर, ऑप्शन डी मयूराक्षी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बराकर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 437 में जाते हैं। धनबाद झारखंड और पूर्णिया पश्चिम बंगाल जिले की सीमा पर निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कोयलरो, ऑप्शन डी मयूरछी। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन बी। अब हम लोग 438 नंबर के सवाल में जाते हैं। 438 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण दामोदर नदी पर नहीं हुआ है। ऑप्शन ए अयर बांध, ऑप्शन बी कोलान बांध, ऑप्शन सी बर्मो बांध, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका नाम का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कोनाल बांध। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 439 में जाते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत स्थापित बांध तथा उसके स्थापना वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए मेथन बांध 1958, ऑप्शन बी तिलैया बांध 1953, ऑप्शन सी परल पहाड़ी बांध गिरिडीह, ऑप्शन डी पंचेत पहाड़ी बांध 1956। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचेत पहाड़ी बांध 1956। अब हम लोग 440 में जाते हैं। 440 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से संबंधित राज्य नहीं है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अब हम लोग 441 नंबर के सवाल में जाते हैं। 441 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1988। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1978। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 442 में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य। ऑप्शन ए पेयजल आपूर्ति, ऑप्शन बी विद्युत उत्पादन, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 443 जाते हैं। स्वर्ण रेखा विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी G20 इनमें और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व बैंक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 444 जाते हैं। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। ऑप्शन ए चंदन क्यारी धनबाद ढुंगरू रांची, ऑप्शन बी झुमरी तिलैया कोडरमा, ऑप्शन सी हुंडरू रांची और जो है ऑप्शन डी है सुंगफोंस गुमला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुंडरू रांची। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 445 में जाते हैं। 445 में लिखा स्वर्ण रेखा
जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए 90 मेगावाट, ऑप्शन बी 130 मेगावाट, ऑप्शन सी 170 मेगावाट, ऑप्शन डी 210 मेगावाट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 130 मेगावाट। अब हम लोग जो है 446 नंबर का क्वेश्चन जाते हैं। 446 नंबर में लिखा हुआ है मारूची नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है? ऑप्शन ए मुरोली, ऑप्शन बी कार्लो, ऑप्शन सी संख, ऑप्शन डी सोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुरली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 447 में आते हैं। मुरारची नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए झारखंड उड़ीसा, ऑप्शन झारखंड छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड पश्चिम बंगाल, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 448 में पहुंच गए। मारूची नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी दुमका, या फिर इतना ही ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन होगा ऑप्शन डी दुमका सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 449 में पहुंच गए। 449 मारूची परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित बांध निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कनाडा बांध, ऑप्शन बी जर्मनी बांध, ऑप्शन सी पनामा बांध, ऑप्शन डी मेक्सिको बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। 450 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोयलाकारो जल विद्युत परियोजना से संबंधित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 451 में पहुंच गए। 451 नंबर का जो ये सवाल तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो 451